दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तो वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे, जबरदस्त स्वागत उनका किया गया। और दूसरी तस्वीर योग की है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो विश्व के लिए है, ये वैश्विक एकता के लिए है। हम ये कहें कि वसुधैव कुटुंबकम जो संदेश भारत से निकलता है पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोता है। आज उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर जहां पर आप सस्टेनेबल हेल्थ की बात कर सकते हैं, जहां पर आप केवल शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं बल्कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर योग की बात आती है वहां पर सूक्ष्म व्यायाम से लेकर आपका ध्यान योग भी सम्मिलित होता है। यानी कि आपका चाहे शरीर विकसित हो, आप रोगों से दूर रहो, साथ ही साथ ज्योतिष अगर हम ये कहें कि मेंटल एलिमेंट के लिए भी योग है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मीनाक्षी, और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। फिजिकल मेंटल हेल्थ की बात तो हो रही है, इसके अलावा इकोनॉमिक हेल्थ की भी बात हो रही है। और मैं बार बार इकोनॉमिक हेल्थ को इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US पहुंचे हुए हैं तो उसमें इकोनॉमिक बूस्ट कितना होगा वो हम सब देखेंगे। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूप ये 5 नियम है। ये सार्वभौमिक वैज्ञानिक शाश्वत सनातन सत्य हैं। मंडूक आसन ऐसे कि गर्दन सीधी छाती घुटनों से लगी हुई और इसी में रुक कर की कपाल बहाती भी कर लेते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। मंडूकासन के साथ कपाल भाति हो रहा और मूलाधार से सस्रा तक अंत शक्तियों के जागरण का संकल्प, संकल्प से सिद्धि वापस आ जाते हैं। क्या बोला? संकल्प से क्या मिलती है बोलो? सिद्धि। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो राष्ट्र के शासक तो है ही, वो शासक होने के साथ साथ राजधर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म का भी प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहे हैं, उनको अभिनंदन है। उन्होंने संकल्प से सिद्धि की राजधर्म की यात्रा को भी स्वर दिए और बाएं हाथ की अथेली नाभि की प्रथाएं उसके ऊपर। हमारे धामी जी ने अपने प्रदेश का एक स्लोगन लिया, मैंने इनको कहा उसको पूरा कर लो, अगली बार ये पूरा कर लेंगे। विकल्प रहित संकल्प क्या है बोलो? ये मैं पिछले 50 सालों से इसको जी रहा हूं। विकल्प रहित संकल्प और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बाएं हाथ के थी नाभि के प्रदायें उसके ऊपर। जब हमारे बहुत से विदेशी साधक भी आए हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे ऋषिकेश के योगी जन उपस्थित हैं, उनको अभिनंदन प्रणाम। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाते। तो मैं कह रहा था योग में है अष्टांग योग, योग में है यम नियम, योग में है क्रिया योग तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, योग में है समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, कुंडलिनी योग। योग में संयोग है सृष्टि के समस्त दिव्य तत्वों का। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे झुक गए तो ये हो गया मंडूक आसन। वापस अब दोनों हाथ घुटनों पर। हमारे मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ते हैं तो देखो ये पोज अब योग में भी आ रहा है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों से लेकर के हमारे ईसाई भाइयों से लेकर के हमारे सिख भाइयों से लेकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी भारतवासी सारे विश्ववासी योग मय हो रहे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स, युग के लिए है ये योग। दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और इस बार जो मुद्रा बन रही है ये नमाज में रोज बनती है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, आगे झुक करके आगे ही रुक जाते। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकिए।
और श्वासों को साधिए। शरीर सधरा, इंद्रियां सध रही हैं, मन विचार भाव संवेदनाएं प्राण सध रहे हैं। पूरे जीवन की ही साधना है, अपना साधन अपनी साधना, अपना साध्य अपना इष्ट अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य अपना मंतव्य अपना गंतव्य, उधर निरंतर हमें चरै वेति आगे बढ़ना है। यही योग हमें सिखलाता है और जीवन में हमें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनकर के असंभव को संभव करने की ताकत देता है। दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। ये तो हुआ मंडूक आसन और शशक आसन। घुटनों पर ऐसे खड़े हो जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग करने से बैलेंस रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही योग है, समत्वम योग। को आप सुन रहे थे, ये तस्वीरें आपने देखी, योग का महत्व हर किसी के जीवन में कितना और कैसे होना चाहिए उसके बारे में बता रहे थे। ये दुबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुबई में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वहाँ लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। जर्मनी से भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी। और मीनाक्षी, जो बात आप कह रही थी वसुदेव कुटुंबकम, वही दर्शाती ये तस्वीरें हैं कि कैसे पूरा संसार योग की माला से जुड़ गया है, योग की माला में पिरो दिया गया है। म्यूनिख जर्मनी की तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी योगाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। आप जो माला कह रहे हैं ना, दरअसल वो एक स्वास्थ्य की माला है, एक स्वास्थ्य की माला है जिसके अलग अलग मन के अलग अलग देश हैं। अब चाहे आप इसमें जर्मनी को शामिल कर लें जहाँ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, या फिर दुबई की तस्वीर को शामिल कर लें जहाँ पर सभी पूरी जिजीविषा के साथ पूरी तन्मयता के साथ योग कर रहे हैं। एक तस्वीर जबलपुर से आप देख रहे हैं, वहाँ पर तो पूरा भव्य कार्यक्रम किया ही जा रहा है। हरिद्वार से आपने तस्वीर देखी जहाँ पर योग ऋषि स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं। एक तस्वीर जो ऑफिशियल कार्यक्रम की है, भारत में होने वाले कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। CM शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पटेल आप देख रहे हैं, सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनका स्वागत किया जाएगा और ऑफिशियल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आज नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है। और ऐसे में जहां एक तरफ UN में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के समय मुताबिक शाम को उस सेशन को लीड करेंगे UN हेडक्वार्टर में, तो वहीं आज क्योंकि भारत में 21 तारीख की शुरुआत हो चुकी है, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश में जो स्टेट कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री जिसमें सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखिए कितना विहंगम दृश्य है, कितना बड़ा ये मैदान है और कितना बड़ा ये आयोजन है। लाखों की संख्या में लोग देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को और हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति का, क्योंकि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो जगदीप धनखड़, भारत के राष्ट्रपति, वो हैं उपराष्ट्रपति। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं गवर्नर उनका स्वागत करते हुए, और अब यहां से उन्हें सीधे उस मंच पर ले जाया जाएगा जहां पर उनका इंतजार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और सभी के चेहरों की मुस्कुराहट और जोश ये बताता है कि इस दिन को मनाने के लिए कितनी उत्सुकता हर आम और हर खास में नजर आ रही है। इसके साथ ही एक जानकारी आपको और दे दें, कई दफा आपके मन में सवाल आता होगा कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इस दिन का आखिर इतिहास क्या है, क्यों इस दिन को इतना खास माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी योग हो ही रहा था। अगर हम ये कहें तो भारत से सीख कर बहुत से विदेशी यहाँ की योग संस्कृति को विदेश लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे ही मनाने का फैसला लिया गया उसके बाद से इसकी महिमा और बढ़ गई, जागरूकता और फैल गई ये कहा जा सकता है। तो 21 तारीख को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है, दरअसल ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप न सिर्फ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक चेतना इससे भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त ये जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं,
उपराष्ट्रपति का स्वागत किया जा रहा है और अब यहाँ से सीधे वो मंच की तरफ बढ़ेंगे जहाँ सभी लोग मौजूद हैं और बस इंतज़ार क्योंकि उपराष्ट्रपति का हो रहा था तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। और मीनाक्षी, क्योंकि 21 तारीख का आपने जिक्र किया तो इसमें एक बात जोड़नी बहुत अहम है। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएन हेडक्वार्टर में थे तो उस वक्त उनका संबोधन चल रहा था और अपने संबोधन में पुरजोर तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पहचान मिलनी चाहिए और उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और उस वक्त इस बात को वहां मौजूद सभी देशों के प्रतिनिधियों ने माना था और फिर 2015 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ दूं, फिर आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता दूं कि 21 तारीख जैसा कि मैं कह रही थी ज्योत्सना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 21 तारीख 21 जून चूंकि पंचांग के मुताबिक सबसे लंबा दिन होता है जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है और उसके बाद फिर सूरज क्योंकि दक्षिणायन हो जाता है और फिर जो अगर हम शारीरिक तौर पर देखें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसलिए एक बड़ा ही साइंटिफिक कारण भी है कि 21 तारीख को 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।